अम्मा देखिएगा एक दिन ना आप लोग हमारी पढ़ाई की ना मिसालें देंगे। देखिए मैंने आपकी मसरूफियत, जान ले लूंगी उसकी भी और आपकी भी। इनाया को सर पे चोट लगी, बेड से गिरी थी वो। तो माओ का काम यही होता है कि एक छोटी सी सिचुएशन को इतना बड़ा बनाओ, उसके बारे में पूरा दिन ख्वार हो। एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी जान, कि अरमान मेरे सारे पूरे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की किस्त देखोगे कि आयशा की तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लग गई है, लेकिन आयशा चाहती है कि एनी फिर भी तालीम हासिल करे। रहीला कोई भी मौका नहीं जान दी कि हबीब नू आयशा एनी फाखर ते सारे घर वालों के खिलाफ कर सके। हबीब नू सिर्फ ते सिर्फ इस चीज़ की फिक्र है कि वह ते ओदा मैनेजर मिलके किस तरह फाखर के कारोबार के उत्ते कब्जा करे। इसलिए रहीला ने फाखर के दोस्तों ना मिल के फाखर नू एक नवी राह ते ला दिता है कि वह कारोबार छड़ के ते सिर्फ दोस्तों च घूमन फिरन लग गया है। फाखर नू हुण एनी ते समीना दोनों की हर गल बुरी लगती है। फाखर यह सोचता है कि कारोबार ते घर दोनों ओदे नाम हो गए ते हुण वह अपनी मनमर्जी कर सकता है। इसकी वजह ना उन्हें एनी ना भी लड़ना शुरू कर दिता है। मोबाइल गेम्स ते दोस्तों की वजह ना वह अपनी बेटी नू भी ना पसंद करता है। माँ की भी हर गल उन बुरी लगती है, उन सिर्फ ते सिर्फ आज़ादी चाहती है। फाखर ने सारे कमां की जिम्मेदारी एनी ते पा दी है, ते इधर समीना ने घर की सारी जिम्मेदारी आयशा ते पाती है, सिर्फ ते सिर्फ ऑफिस की होकर रह गई है। मैडम रहीला साहबा वेलियां खांदे ते सारे घर वाले नू एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। इधर आयशा हर सूरत चाहती है कि एनी अपनी तालीम मुकम्मल करे। आयका नू पता चल गया कि फराज ने अफेयर चलाया होया है, ते वो चोरी छुपके उस जगह ते पहुंच जाती है, खूब गल्लां सुनांदी है फिर फराज नू। आयशा की माँ ने पोते की खुशी में अपने घर च दावत रखी, तो आयशा के सारे ससुराल वालों नू दावत ते बुलाया। इधर सायका रहीला नू दसती है कि तेनू ते हबीब नू आयशा दे घर वालिया ने दावत ते आन तो सख्ती ते मना कीता है। समीना भी इस हक च नहीं हुंदी कि रहीला उत्थे दावत खाण वास्ते जाए। रहीला ते आपे तो बाहर हो जाती है, तो कहती है कि वह मेरी भैन का घर है, तो मैं हुणी आलिया को पुछनी है। इधर आलिया भी सख्ती ना मना कर दिंदी है रहीला नू अपने घर आन तो। इधर विचारी एनी चक्की दे दो पाटा वांगू कॉलेज ते घर दोनों दे कमां दे विच पिस रही है। आखर नू हुण इस गल की जरा भी परवाह नहीं है, तो वह बहाने बहाने ना हर वक्त एनी दे नाल लड़ाई करना शुरू हो गया है। हर छोटी छोटी गल दे उत्ते वह बच्ची नू लैके ते एनी नू लैके खूब गल्लां सुनांदा है। सब रहीला की वजह ना हो रहा है, क्योंकि वह फाखर नू भी पट्टियां पढ़ाण लग गई है, तो फाखर उहदियां गल्लां दे विच आना शुरू हो गया है। अगर थानू मेरा पंजाबी रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, वीडियो में लाइक करो, तो जाते जाते घंटी का बटन जरूर दबियो ताकि हर नवी वीडियो तक पहुँच सके। शुक्रिया।